नमस्ते दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो में। अब जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं म्यूजियम ऑफ कॉस्मोनॉटिक्स है और साथ में ही म्यूजियम ऑफ स्पेस ट्रैवल एंड टेक्नोलॉजी की कुछ फोटोज हैं। ये जितने भी फोटो और वीडियो स्क्रीन पर चल रही हैं वो इसी म्यूजियम से रिलेटेड हैं जो स्पेस ट्रैवल एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। और अब जो आप स्क्रीन के ऊपर फोटो देख रहे हैं वो डीएम का पार्क की है। इस पार्क के अंदर जितने भी एक्स सोवियत कंट्री हैं उन सबकी पवेलियन बनाई हुई है उज़्बेकिस्तान हाउस, कजाकिस्तान हाउस इस नाम से। और इसके अंदर किसान और खेती के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, मतलब बहुत से ऐसे मोन्यूमेंट हैं जो किसानों के ऊपर बेस्ड हैं या खेती पे बेस्ड हैं। साथ ही लेनिन की फ़ोटो लगी हुई है और कई ऐसे मोन्यूमेंट हैं जो लेनिन को डेडिकेटेड है। अब इसके अंदर एंट्री करते हैं। ये जो पार्क बनाया हुआ है ये काफी बड़ा पार्क है, इसको घूमने के लिए लगभग 3 से 4 घंटे चाहिए। पार्क में एंट्री करते के साथ साथ जो सामने लेनिन के स्टैचू लगा हुआ है,
और ये पीछे रशियन हिस्ट्री का म्यूजियम जिसमें सारी सोवियत की हिस्ट्री है कि कब क्या हुआ क्या कुछ नहीं। जितने भी मोन्यूमेंट या जो रॉकेट या डेमो पीसेस जो स्क्रीन के ऊपर हैं ये सारे के सारे सोवियत के कुछ प्रोग्राम या कुछ मिशंस रहे हुए हैं उनको दिखाया गया है। ये बेलारूस पवेलियन, अजरबैजान हाउस, विद्यांका पार्क के अंदर सहज योगा प्रोग्राम था, मेडिटेशन प्रोग्राम था। ये वही सोवियत का स्टार, पार्क को घूमने के लिए केबल कार की व्यवस्था भी थी लेकिन अभी कंप्लीट हुआ नहीं था। ऐसा ना करती हो। और ये हम एग्जिट की तरफ,
लास्ट जगह थी जो हम लोग गए थे। उसके बाद हम मार्को से रेलवे स्टेशन गए, उसके बाद और किसी स्थिति में निकल पड़े। We'll be right back.